वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। आज येलो येलो डर्टी फेलो हम लोग बन के आए हैं। हमारा एक साथी गायब है, हम उसे सुबह से फोन कर रहे हो, मर तो नहीं गया। मैं रोहित की बात कर रही हूँ। उसने कहा था कि वो ज्वाइन करेगा, 15 मिनट पहले तक था, अब पता नहीं किधर गया है। लेकिन सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आरजू जी। मैं भी बड़ी चिंता में था, सुबह से मैं न्यूज सुन रहा हूँ कि कोई न्यूज भी तो नहीं कवर आ गया कहीं उसके ऊपर कि आईएएस सही उठा के ले गई या ये रॉ उठा के ले गया। कुछ भी न्यूज नहीं है, बिल्कुल सराटा है। नोएडा से कोई न्यूज नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन में वो लगा हुआ है। वैसे भी रॉ का आदमी तो आपने डिक्लेयर किया ही हुआ उसको। बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी लगता है, क्योंकि अभी 10-15 मिनट पहले तक मेरी बात हुई थी, तब तक तो ठीक था। अब अगर पंखे से लटक गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उससे नहीं, कुछ भी हो सकता है। कल मुझे उसने फोन भी किया था कि मुझे नूडल्स चाहिए। मैं किसके लिए कहता, पंखे से लटकना है तो हो सकता है नूडल्स के साथ। और नूडल्स से याद आया, आज मैं नूडल्स बना रही हूँ, तो वो खैर वो मैं शो के बाद खाऊंगी, लेकिन होपफुली आ जाए, शायद बीच में ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैंने तो उसको कई बार कॉल किया है और वो फोन नहीं उठा रहा है, तो खैर हम उसे मिस कर रहे हैं। हो सकता है अपनी पिंक शर्ट धो रहा हूँ, क्योंकि आजकल बारहवीं का त्योहार है तो पिंक शर्ट तो बड़ी पॉपुलर है। तो वो जब आते हैं पिंक शर्ट पहना होता है। मेरे पास उतने पिंक ड्रेसेस नहीं है जितनी पिंक शर्ट्स इसके पास है, और हो सकता है कि वो उनमें से कोई धो रहा हो पहनने के लिए, तो इसलिए लेट हो गया। अब वो जब शो देखेगा तो उसके बाद हमारा क्या हाल करेगा हम दोनों का, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शंस की। कैसे देख रहे हैं आप इंडियन इलेक्शंस को? फेज वन कंप्लीट हुआ है, और उसमें आपका क्या ख्याल है कि क्या किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आरजू जी, आपकी मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है। आप भी भारत से बाहर बैठी हैं, मैं भी भारत से बाहर ही बैठा हूँ, और बाहर से जो चीजें हैं बड़ी क्लियरली दिखती हैं, ईगल्स आई की तरह। और चाइना के अंदर इतनी खलबली है भारत के इलेक्शंस को लेकर, मैं बता नहीं सकता। और मैं पाकिस्तान के अंदर भी देख रहा हूँ कि इतनी तो डिस्कशन भारत में नहीं हो रही जितनी पाकिस्तान में भारत के इलेक्शंस के बारे में हो रही है। भाई, आपके वहां पर पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन चाइना में भी खलबली है कि क्या हो रहा है। चाइना आज की डेट में भंगड़े डाल रहा है कि लो जी, मोदी गया, साडा फेवरेट पप्पू आने वाला है। यहां पर ऐसी बातें चल रही हैं कि पप्पू आएगा। पप्पू ने एक ऐसा गंध डाल दिया है भारत के अंदर कि ये हिंदुओं से सारी चीजें छीनकर हम मुसलमानों को दे देंगे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको हिंदुओं से, और क्या प्यार है मुसलमानों से, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इतनी बेवकूफियां तो आपके हुक्मरान नहीं करते वहां पर बैठकर जितने हमारे यहाँ पर, इसलिए उसको नाम इंटरनेशनल पप्पू का नाम दिया गया है। एनीवेज, अब हो क्या रहा है? अगर तो हम सोशल मीडिया को देखते हैं, भारत के अंदर हो, चाइना में अंदर हो, या पाकिस्तान में हो, वहां पर ऐसा लगता है जैसे बीजेपी हार रही है। ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है लोगों के ऊपर। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी, अब मुझे भी बहुत देर हो गई है जर्नलिस्ट के साथ बात करते हैं, ग्राउंड के ऊपर हमारी टीम्स फैली हुई हैं, जो वहां से मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि बीजेपी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर बीजेपी जीत रही है, मोदी जी के लिए प्यार है लोगों को, काम करके दिए हैं, कुछ डिलीवर किया है, और मोदी की गारंटी एक ऐसा वर्ड लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने बोला कि दुश्मन के घर में घुस के मारूंगा, तो आपसे ज्यादा तो इसको कोई समझ नहीं सकता, वो घुस के मारते भी हैं। तो ये जो गारंटी है मोदी जी की, जो मैं कहता हूं करके दिखाऊंगा, वो बेशक आप कहते हैं वो कौए मारे थे, भाई कौए ही मारे थे, कौए मारे तो थे, कांग्रेस ने तो कौए भी नहीं मारे। भाई आपके लिए तो अजहर महमूद हो और हो, कौओं के तरह ही हैं, हमने मार दिए तो मार दिए, क्या हो गया? मोदी की गारंटी थी, हमने पूरी कर दी। तो ये जो मोदी की गारंटी वर्ड है, इसका असर नीचे तक है। अब ये हालत हो गई है कि ऑपोजिशन भी बढ़ चढ़कर प्रॉमिसेस करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन गारंटी किसकी है? पप्पू की गारंटी। वो कहते हैं पप्पू की गारंटी मतलब कि जीरो, इसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो ये एक फर्क है, देखते हैं 4 जून को पता लगेगा कि ईद बनेगी या दिवाली।
सर खैर ईद और दिवाली दोनों होना चाहिए। बहरहाल दोनों कम्युनिटीज जो है, बल्कि जितनी कम्युनिटीज भारत में रहती हैं वो मिलजुल कर रहे हैं, वही अच्छा है। लेकिन बात यह कि सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे कि कहाँ पर घुसके मारेंगे और कहाँ पर नहीं है, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे जैसे मर्जी आई हो, या किसी भी दूसरे देश की, पब्लिक ये चाहती है कि उसको जो है वो रोजगार मिले, जॉब्स मिले, घर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर में हो, और जॉब्स वगैरह। इस चीज में आपके ख्याल से किस तरह से बीजेपी जो है वो आगे बढ़ेगी? क्योंकि बहुत बार ये भी कहा गया कि काफी लोग जो है वो अभी तक जॉब के इंतजार में है। खैर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देना मुश्किल होता है, मैं एग्री करती हूँ, आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई नई चीज लेकर इस बार बीजेपी आएगी? देखिए अर्जुन जी, पहली बात यह है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, और सबसे यंग पॉपुलेशन है ये भी आपको मालूम है दुनिया में, अब इतनी पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करने का नहीं है। ये मोदी जी बार बार बोलते हैं, गवर्नमेंट्स बिजनेस इज नॉट टू बी इन बिजनेस। हमारा काम है लेजिस्लेशन को क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। क्या गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है? आंसर इज यस। दुनिया भर की जो कंपनीज हैं भारत में आ रही हैं, आपके तो वहां पे बड़े शोज आपने भी किए हैं, कभी आईफोन सुन लेते हैं, मुझे तो कई बार आपसे पता लगता है कि भारत में कौन कौन सी कंपनीज अभी प्रोजेक्ट लगाने वाली हैं। हमें भी इतना पता नहीं होता जितनी नजर आपकी होती है, और कितनी जॉब्स उसमें क्रिएट होने वाली हैं वो भी मुझे पाकिस्तान के चैनल से पता लगता है। भारत के जो चैनल वाले हैं इतने निकम्मे हैं, कोई बात ही नहीं करता कि जैसे कि भारत में कोई तरक्की ना हो रही हो। जैसे अभी आपने बोला कि एप्पल है, आप ही का शो था एक जिसमें आपने बोला कि 5 लाख तो जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं भारत में, सिर्फ बिल्कुल एप्पल एप्पल ने बोला है। ऐसे ही सैमसंग ने पूरा अपना ऑपरेशंस चाइना से बंद करके भारत में लेकर आ गए हैं। अभी जितनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं सबने मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी है, ना कि शुरू करेंगे, शुरू कर दी है। टेस्ला वाला ऑलरेडी यहाँ पर धक्के खा रहा है, आने की बात करता है कि मुझे यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है भारत में। रीजन क्या है? चाइना में उसने फैक्ट्री लगाई कि मैं वहां से बैठकर मैं चाइना को भी सप्लाई करूंगा, भारत में भी सप्लाई करूंगा। मोदी जी ने एक भी गाड़ी उसकी आने नहीं दी भारत के अंदर, अब उसे भारत में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। फैक्ट्री लगाएगा तरक्की आएगी। आप भी समझते हैं कि छोटी फैक्ट्री नहीं लगेगी टेस्ला की, और उसकी मजबूरी भी है क्योंकि चाइना ने टेस्ला की वाट लगा दी है। यहाँ पर टेस्ला के बराबर की पूरी टेक्नोलॉजी कॉपी करके बराबर उसकी कंपनी गाड़ियां निकालनी शुरू कर दी चाइना ने, आधे प्राइस पर टेस्ला की गाड़ियां बिकी नहीं रही हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो भारत में क्रिएट हो रही हैं बिकॉज ऑफ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज, ये इसका फर्क पड़ रहा है। और अगले टर्म में वाकई में फर्क पड़ेगा। रोहित जी बहुत अच्छा लगा कि आप आ गए हैं। मैं तो ढूंढ रहा था कि शायद आपके गले पे कोई नूडल नूडल बंधे होंगे, आप नूडल से लटकने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो चाइनीज नूडल थे, बच गए आप, तो अच्छा हो गया। ऐसा ही है, क्योंकि ना फोन उठा रहे थे ना जवाब दे रहे थे, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चले गए। सीमा इधर से मिलने ना चले गए हो, जो इनके घर के पास रहती है, हो सकता है वहां गए हो। नहीं, ये अंजू अंजू से पूछने गए थे कि तू पाकिस्तान जाके आई थी, कैसी रही? हाँ, वेट तो कर आप लेते, कहाँ थे, कहाँ थे आप? वेट कर लेते। मैं जरा, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था प्रोग्राम का, माफी चाहूंगा, और साथ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो फाइन, इट्स गुड। हाँ नहीं बिल्कुल, और हम यही बात कर रहे थे, आपको भी उसमें यकीनन आपसे भी पूछेंगे कि डिफरेंट कंपनीज जो आ रही हैं भारत में, इंटरनेशनल कंपनीज, उसकी बात कर रहे थे सुमित सर। तो हम यही कह रहे थे बीजेपी के लिए नया चैलेंज क्या होगा, या नई होप पब्लिक को वो उन्होंने क्या दी है कि अगर इलेक्शन में जीत गए तो आपके ख्याल से क्या नया लेकर आएंगे? इस क्वेश्चन में तो इनहेरेंट ही एक बात है कि बीजेपी जीत रही है, और उधर मैं अभी एग्री नहीं करूंगा। देखो सुमित जैन साहब जो है ना, आजकल जो ट्विटर पे पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने नेक्स्ट होम मिनिस्टर ही नहीं बनाना है। तो ऐसे ऐसे ट्वीट डाल रहे हैं कि जैसे बीजेपी जीत ही गई हो, ठीक है। लेकिन बींग अ जर्नलिस्ट, मैं अपने इलेक्शन कमीशन पे पूरा विश्वास करता हूँ, और लोगों जिस तरीके का हमें वोटिंग पैटर्न दिख रहा है उससे आगे बाद में पता चलेगा कौन जीतेगा, लेकिन अभी हम नहीं बोल सकते। दूसरी चीज, आगे आने वाले टाइम में इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेमीकंडक्टर का, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया। और आगे हम सेमीकंडक्टर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और हम लोगों को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बनानी है, लेकिन एक्सपोर्ट पे फोकस जरूर करना है। मेक इन इंडिया जब शुरू किया था तो रघुराम राजन ने बोला था कि
ये मेक इन इंडिया नहीं होना चाहिए, ये मेक फॉर इंडिया होना चाहिए। हमारे मेक इन इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, मोर रिसेंटली हम लोग सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ एक्सपोर्ट का मतलब हम अभी ब्रह्मोस 5 दिन भी नहीं हुए, ब्रह्मोस हमने दिया, साथ में हम लोग गन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस की बात कर रहा हूँ, अभी डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, हम लोग गन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना तेजस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर बात करें तो मेड इन इंडिया आईफोन्स अब इंडिया के लिए नहीं बन रहे, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है इंडिया का, साथ में हमारा एक्सपोर्ट है व्हाट सिलिकॉन चिप्स, हमारा एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हमारा एक्सपोर्ट है लैपटॉप्स, हमारा एक्सपोर्ट है मोबाइल फोन्स। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सुमित सर ये सब कुछ जो रोहित ने बताया कि ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद रोहित कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी को लेकर। लेकिन खैर सही है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन आपकी ट्वीट्स वगैरह पे बड़ा इतराज है, इनको क्या क्या लिख दिया आपने? सही, वो जर्नलिस्ट है और हर एक को अपना हक है अपने ओपिनियन देने का। मैंने अपने ओपिनियन दिए हैं अपने सारी एनालिसिस के बाद, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, हो सकता है कि ये ठीक हो। मैं पहले बोल रहा हूँ ईद बनेगी या दिवाली, ये 4 जून को पता लगेगा, तो 4 जून की वेट करते हैं। दोनों 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 मनाइए ना, सिर्फ ईद या दिवाली क्यों, ईद भी और दिवाली भी दोनों मनाइए। ये समझिए हम इंडिया में है, वो आप दोनों का, एक पाकिस्तान में, देखो मैंने इंडिया इसीलिए पत्र से लिखा भी हुआ है, रोहित शर्मा इंडिया, तो एक पाकिस्तान में है और एक चाइना में, जहां पे आप सच नहीं बोल सकते, मैं बोल रहा हूँ ठीक है। और हमारे इलेक्शन जो हैं उसको रोहित भाई चाइना में होते हैं, बस वही फर्क है कि आप इंडिया को फॉलो करते हैं, मैं भारत को फॉलो करता हूँ, इस चीज का बड़ा फर्क रहेगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करें तो अच्छा है। ओह माय गॉड, अच्छा इसलिए क्योंकि हमारी एक पार्टी है, हमारे कंट्री की एक पार्टी है जिसके चीफ ने आपके कंट्री की एक पार्टी से सीक्रेट अलायंस किया था, तो मैं आप उसी इंडिया को फॉलो करते हैं। देखिए जो जो लीडर की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे कंट्री में आकर सीक्रेट एग्रीमेंट किया था, वही इंडिया वाले हैं, और मैं इसलिए उनको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बेशर्मी से आकर इन्होंने हमारी जिंदगियों के सौदे किए थे भारतीयों के, वो कभी भी हम भारतीय भूल नहीं सकते, और उस गद्दारी के लिए उनको सजा मिलेगी मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। वो धक्के खाते हुए आज भी धक्के खाते खाते 2 यात्राएं कर गए हैं, और यात्राओं में उनके साथ क्या कुछ हुआ है ये सारी दुनिया जानती है और आगे भी पता लग जाएगा। बट एनीवेज अर्जुन जी, जो आपने बात करी कि भारत के अंदर चैलेंज क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक चीज मैं और ऐड करूंगी यहाँ पे सुमित सर आपके लिए, वो ये कि क्या जो जो भारतीय इंडिया से बाहर है, क्या वो उनके लिए कोई तरीका है कि वो वोट दे सके या नहीं? आप नहीं अभी फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, आगे आगे सिस्टम बन रहा है। हम लोगों ने जो डिटेल में जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उनसे बात करी थी, हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन फिजिकली वोटिंग करने के लिए भारत आना पड़ेगा। बाहर से बैठकर अभी हम वोटिंग नहीं कर सकते, हम रजिस्टर कर सकते हैं आने से पहले, और उसके लिए फिर लेकिन फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है। लेकिन अगर हम एसेंशियल सर्विसेज में हैं, जैसे कोई एम्बेसीज में काम कर रहा है, अगर वो वोटिंग करना चाहे तो वो बैलेट पेपर जो है बल्कि रिमोट से वो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए अवेलेबल है। हेलो लिसन, उनके लिए पोस्टल बैलेट होता है, जैसे हमारी वही कह रहा हूँ मैं, पोस्टल बैलेट ही बोल रहा हूँ, उनके लिए अवेलेबल है जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर। आप लोगों के लिए अभी आप लोगों को इंडिया को आना पड़ेगा नो डाउट, लेकिन आप लोगों के लिए पोस्टल बैलेट होता है। अगर आप बाहर हो तो पोस्टल बैलेट होता है, आप फॉरेन कंट्री से वहां पे बैठ करके अगर आप एम्बेसी को बोले तो वो जुगाड़ कर देते हैं कई बार। नहीं पॉसिबल ही नहीं है, मेरी एम्बेसीज में बात हो गई है, मेरी फॉरेन मिनिस्ट्री में बात हुई है, वो कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं है जो फॉरेन में लोग रहते हैं उनकी वोटिंग के लिए। ये सिस्टम 25-26 तक तैयार होगा, दैट मींस 29 में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी हमारे पास वोटिंग के लिए एक फॉर्म है जो यहीं से बैठकर हम अपने एरियाज में भेज सकते हैं कि वी वॉन्ट टू कम एंड वोट, हमारा नाम रजिस्टर किया जाए, लेकिन उसके लिए वोटिंग करने के लिए हमें फिजिकली भारत में आना पड़ेगा। अभी कोई भी ये जो सिस्टम है वोटिंग का बाहर बैठकर एम्बेसी में जाकर वो नहीं है। सर आप चैलेंजेस की भी बात कर रहे थे, आपकी बात बीच में रह गई। अगर आपने नेशनलिटी वापस नहीं दी है तो आपकी वोट, यस
जो भारतीय है, जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर है वो अभी वोटिंग नहीं कर सकता है रोहित भाई, बिलीव मी ऑन दिस। अभी आप इंडिया में हैं, भारत जब भारत में एंटर कर जाएंगे पता लग जाएगा। तो अभी दूसरी बात करते हैं हम लोग, एज फार एज चैलेंज सर, मैं बाहर जाने के मूड में नहीं हूँ और आपके कंट्री में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल आना भी नहीं है, आना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मेंटेलिटी के लोगों को शिनजियांग में क्या कुछ किया जाता है आप समझ सकते हैं। आरजू जी आपके लिए बोल रहा हूँ, आरजू जी की बोल रहा हूँ, तो आरजू जी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है। आप भी करवा के आए हो क्या? सॉरी क्या? अच्छा मैं ये बोल, सुन लीजिए बात को, अच्छा एक मिनट सुमित सर कंप्लीट कर लेना, सुमित सर को कंप्लीट तो करने दे। जी जी जी, तो जो चैलेंजेस हैं भारत के लिए, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पागलपन भी बढ़ता जा रहा है, कई बार आपने भी शो करे हैं कि यार हमारे यहाँ पर लोग पाकिस्तान में आपके इतने बेवकूफ नहीं है या इतना तंग नहीं करते जितने भारत के, रेडिकलाइज हुए पड़े हैं, पागलपन है कि यहाँ पर हिंदुओं को खत्म करना है। अब तो उनको बढ़ चढ़कर ऑपोजिशन ने भी बोल दिया कि भाई जितना हिंदुओं ने कमाई करी है निकाल निकाल के इन जिहादियों को हम दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके दिमाग में कि उनके दांतों पे खून लगा दिया है और वो सैंपल भी दिखाना शुरू कर दिया कांग्रेस ने, जैसे कर्नाटका में है वहां पे लड़कियां उठा के लेके जा रहे हैं, केरला में लड़कियां अगवा की जाती हैं, और इतना बड़ा गंद डाल दिया है कांग्रेस ने भारत के अंदर एज फार एज हिंदुओं को लेकर कि वहां पर अब लोगों को लगता है कि यार ये पागलपन खत्म होना चाहिए। और मैं तो बार बार गवर्नमेंट को बोलता हूं कि आपको चाइना वाला मॉडल ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, इजराइल वाला आप कर नहीं सकते, तो इसलिए बेटर यही है कि आप चाइना वाला मॉडल इंप्लीमेंट कीजिए ताकि ये पागलपन तो खत्म होना शुरू हो। देखते हैं क्या होता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए जो ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो समझ सकती हैं, आप तो वहीं रहती हैं, तभी आपने घर में जो गेट है मेन गेट वो भी आपने PIA का गेट निकाल कर लगाया ताकि उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो, और बाहर बाहर भी अंदर भी आपने कैमरे लगाए हुए हैं ताकि आपको कोई तंग ना करे, वही चीज भारत में भी हो रही है। अब आप कैमरे की हालत देख लीजिए रोहित की, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पीछे ऐसा लग रहा है फोग है कि क्या है, तक्के विक्के बना रहे थे क्या कर रहे थे, अभी तो इलेक्शन मिड में है और जैसे ही खत्म होती है कहानी तब पता चलेगा, लेकिन जैन साहब एक चीज बताऊं मैं आपको कि आप जो जो NRIs हैं उनके वोटिंग के लिए पैटर्न आ रहा है ठीक है, लेकिन वो या उनकी अगर वोट बनी हुई है ना, अगर वो पहले वोट कर रहे थे ना तो वोट किसी ने काटी नहीं उनकी, वो वही है, समझ रहे हैं बात को आप, तो आप वो वोट कर सकते हैं। चलिए रोहित भाई मैंने जो एक्सपीरियंस करना था आपको मैंने कर दिया, फिजिकली आना पड़ेगा, वो फिजिकली आने के लिए ही चक्कर है बस। अच्छा पब्लिक कितनी बार आ रही है रोहित, पब्लिक बार आ रही है, दो EVM चाइना भिजवा देता हूँ वहीं से वोट कर देना, फिजिकली तो आना ही पड़ेगा, वो तो मैं मान रहा हूँ, वहां से पोस्टल बैलेट, आपको पोस्टल बैलेट का चक्कर था, पोस्टल बैलेट वहां मिल जाता था, लेकिन पता नहीं मेरे को कुछ लोगों ने बताया था कि पोस्टल बैलेट मिल जाता वहां पे। रोहित लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी भी है काफी और मौसम यकीनन इंडिया में भी ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर है, लोग बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए। आप गए, आपने वोट डाला? मेरा वोट परसों है यार, मेरा वोट परसों है, अच्छा 26 तारीख को। दूसरी चीज ये कि लोग अभी जो हमें वोटिंग पैटर्न दिख रहा है यूपी में 50%, इट इज अलार्मिंग नो डाउट अबाउट इट, वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, गर्मी है, लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, और ये हम अगर कुछ देखें तो ये एक खराब पैटर्न जरूर है। इलेक्शंस लेट भी हो गए हैं, IPL भी चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इकट्ठी, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब ये देखना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा जल्दी हुए होते तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जी पिछले 5-6 पोल्स देखें तो हमने ये देखा है कि जो इलेक्शंस मई तक खत्म हो गए, मई के फर्स्ट वीक तक खत्म हो गए, उसमें BJP लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके गई है, और जो मई के बाद चले उसमें BJP की सिचुएशन खराब थी। पिछले पांच, मैं 1998 से बात कर रहा हूँ, जो भरी गर्मी में नहीं हुए, थोड़ा ठंडे में सितंबर अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च अप्रैल मई तक खत्म हो गए, उसमें BJP का एक एज होता है। तो अभी जो है पैटर्न वो, क्योंकि एक ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड है तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि क्या पैटर्न होगा, लेकिन हाँ
बीजेपी के वोटर की प्रॉब्लम है, बीजेपी का वोटर गर्मी में बाहर चल ही नहीं निकलता है। आई डोंट नो अब ये ये पहले क्यों नहीं कर लिए गए इलेक्शंस, अगर वाकई में मौसम इलेक्शन कमीशन करता है हमारे यहाँ पर। आरजो जी हमारे यहाँ पर सिलेक्शन और इलेक्शन में फर्क होता है। हमारे यहाँ पर हर चीज आर्मी चीफ के ऑफिस से नहीं होती है, हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट है, मौसम तो चेक कर ही सकता है ना, मौसम तो। इलेक्शन कमीशन को मौसम से कोई मतलब नहीं है, बाढ़ भी आया होगा तो भी बोलेगा कि इलेक्शन होंगे, जिसने वोटिंग करनी है आकर वोटिंग कर दे, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आराम से अपने ऊंची सी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, उनको बाढ़ से भी मतलब नहीं है। जिसको आना है आएगा, गर्मी हो सर्दी हो, इलेक्शन है तो है। और हमारे यहाँ तो हर रोज ही इलेक्शन होते हैं, आपको पता है, आप खुद ही बोलते हैं कि यार इतना बड़ा कंट्री, हम तो रोज ही सुनते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये कब इलेक्शन खत्म होंगे। और जब तक इलेक्शन खत्म होने की बारी आती है तो जनरल इलेक्शन हमारे मेन जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से अपनी डेट्स देता है, गवर्नमेंट के कहने से नहीं देता। So, it's a judgment, जो हो गया अब इसको सबको पालन करना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। जैन साहब इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने और बढ़िया काम किया कि आपने अगर 10 लोगों को चाय पिलाई तो वो 10 रुपए पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपए आपके खर्चे में ऐड कर देता है। अब वो सबके सब सोच रहे हैं भाई यार ये तो बड़ा मुसीबत है, पहले ही खर्चा 25 लाख का बहुत कम है, पर पहले तो पहले ही खर्चा बहुत कम है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब वो इलेक्शन कमीशन इतना, और आप अगर कहीं पोलिंग वाले एरिया में ना, आपको दिन में एक गाड़ी जरूर दिख जाएगी जिसके ऊपर लिखेगा ऑब्जर्वर, इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर। वो अपनी कार के ऊपर ऑब्जर्वर लगा करके घूम रहे हैं और देख रहे हैं किसकी कैंपेन हो रहा है। इसकी वजह से कैंपेन ही नहीं हुआ आज तक, मेरे पास कोई नहीं आया वोट मांगने, उन्हें पता भी है वैसे तो रोहित का वोट, फिर भी नहीं आया वो। लेकिन उसका रीजन एक और भी है, देखिए रोहित भाई, दिस इलेक्शन जो आंकड़े हैं लोगों के, वो कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा होने वाला है। दिस आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली इलेक्शंस एवर। और उसका ये तरीका नहीं होता कि जिसने जो खड़ा है सिर्फ उसी ने पैसे लगाने हैं। बी सपोजिंग मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं अपने लेवल पर खर्चा कर सकता हूँ, तो वो एड नहीं होगा। रीजन बीइंग वो किसी ने किसी इंडिपेंडेंटली खर्चा किया है, नहीं तो 1,00,000 करोड़ रुपया कैसे खर्च हो जाएगा इस इलेक्शन में। आप खुद बोल रहे हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है, कैसे हो? अरे भैया वो आपको वो कहानी नहीं समझ में आ रही है। होता क्या है कि मेरे एक दोस्त ने अगर 10,000 रुपए खर्च किए ना तो वो मेरे एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन ऐड कर देता है। दूसरी चीज, वो 1,00,000 करोड़ जो खर्च हो रहा है ना, वो 1,00,000 करोड़ आपका टीवी ऐड है जो कि सब पे नहीं पड़ रहा है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग है और पार्टी का अलग है। प्राइम मिनिस्टर की रैली हो रही है यहाँ पे, अगर सपोजिंग मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्राइम मिनिस्टर की रैली है तो उसका जो खर्चा है वो मेरे में ऐड कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। और इलेक्शन कमीशन इज वेरी टफ अबाउट इट यार, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने और स्ट्रिंजेंट मेजर्स उठाए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर जितना घूम रहे हैं और दूसरे बड़े लीडर्स जितना घूम रहे हैं, वो फिर उसके बाद सोशल मीडिया एक्सपेंडिचर बहुत है, 1,00,000 करोड़ में वो सारा कहीं ऐड नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि पीछे की जाती हैं। आप 1,00,000 करोड़ का जो बता रहे हैं ना, वो बहुत वो बड़े वाइड स्केल पे गेम है। वो आप उसको इंडिविजुअल के एंगल से मत देखिए, इंडिविजुअल का तो कितना है, मेरे से 4-5 करोड़ है, ज्यादा नहीं है। इतने पैसों की बातें मत किया करें, हम मैं बैठी हूँ पाकिस्तान से, हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है इतना पैसा सुनकर। लेकिन ये जरूर है कि बाहर इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है। और हम जो सेकंड फेज है वो कब शुरू होगा रोहित, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हम फिर इलेक्शन को कवर करते रहेंगे। आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इंडिया या जाओ ना कवर करने, आप एक बार वीजा अप्लाई करके देखो ना। पाकिस्तान का नाम ही नहीं रखा है आप लोगों ने, पाकिस्तान से कोई रिपोर्टर्स नहीं आ सकते। लेकिन ये कि हाँ, आप लोगों से हम समझते हैं, क्योंकि इस बार सुमित सर एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वो ये कि पाकिस्तान का टीवी चैनल्स जो है वो कवर कर रहे हैं, और हमें करना चाहिए, इंटरनेशनली जो न्यूज होती है भारत की वो कवर करनी चाहिए, तो बिल्कुल की जा रही है। और वहां से कई जर्नलिस्ट वगैरह को भी फोन पे लेते हैं। आरजो जी मुझे तो हैरानी होती है कि कवरेज का भी एक तरीका होता है, इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत क्या होती है? पता नहीं कम्युनिटी में प्रॉब्लम है कि पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है। भाई यहाँ पर हम अर्बन नेक्सस की बात करते हैं, आपके हामिद मीर इतने सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने अरब कर दिया उसको, अरब नक्सल्स। भाई आप सोच के देखिए, मैं कोई छोटा मोटा अगर कोई होता, फकर यूसुफ जाहिद आजाद और कुछ होता, ऐसी गलती कर दे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन
अगर आपको चाइना में कोई आदमी कंबल डाल के पीट जाए ना, तो समझ लेना कि फकर युसुफ़ज़ई ने पिटवाया आपको। सही बात है। आज जो आपने दुश्मनी लिया ना फकर भाई से, याद रखना। हामिद मीर से यार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना सीनियर जर्नलिस्ट ऐसी बेवकूफी करेगा, नहीं कर सकता। फिर एक और थे जो पिछली गवर्नमेंट में पीसी, आप ये जो क्या था इसका, ये क्या होती है आपकी क्रिकेट टीम की, जो हेड बन गए थे, चेयरमैन बन गए थे, आजकल दोबारा से यूट्यूब के ऊपर आना शुरू हो गया, बेंच पे थे, बंद कर दिया था क्योंकि पैसे दूसरी तरफ से बहुत बढ़ रहे थे पीसीएल से। तो अब उन्होंने भी आकर क्या लंबी लंबी फेंकी है, क्या आग उगली है, मैं समझ नहीं सकता कि आपके जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं अगर कवर भी करते हैं तो किस तरह से कवर कर रहे हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। वहां पर एक ही चीज दिखाई जाती है, देखिए हेट स्पीच दे दी मोदी जी ने, ये तो बिल्कुल ओपनली बोलना शुरू कर दिया, अरबों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ, इसको कवरेज नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंबी लंबी फेंकना। मुझे लगता था कि किसी एक आदि आदमी है भारत में जो ये इसका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट उनके ऊपर था। आप भी चाइनीज हो गई हैं, कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी, तो आपने भी उनको कॉपी करके लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी। नहीं मैंने तो नहीं फेंकी, हाँ हामिद मीर साहब ने जरूर फेंकी है। और वैसे खैर मैं और मेरे कई दोस्त उनके फैन नहीं है, लेकिन होता है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम दोबारा फिर बात करेंगे नई अपडेट्स के। तब तक तो रोहित की पिक्चर आ चुकी होगी ट्विटर के ऊपर, यूं करके के यूं करके यूं करके हमारे अंगूठे पे लगते हैं। तो किसी ने ट्विटर पे लिखा था कि ऐसे ऐसे अंगूठे देखे हमने सोशल मीडिया पे कि अपना अंगूठा अच्छा लगने लगा। मेरा क्या है उसी तरह, नहीं नहीं, ये डेमोक्रेसी की असलियत है कि आप जो इलेक्शन वोट करने टाइम दिखाते हो वही चीज आपको रिजल्ट्स के बाद पॉलिटिशियन दिखाते हैं। हमें पॉलिटिशियंस ये दिखाते हैं, आपको ये दिखाते हैं, तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती जी। थैंक यू। बाय। हाय देयर। If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.